हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा 5 का पाठ 1 जो एक कविता के रूप में है हम भारत के भरत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस कविता को शुरू करने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे कि संतान, संतान का मतलब क्या होता है? औलाद, संतति। सौगात, सौगात का मतलब भेंट, उपहार। पुरखों, पुरखों मतलब पूर्वजों। दहकना, दहकना का मतलब क्या होता है? दुखी होना, तपना, धधकना। समर मीन्स मतलब समर का अर्थ क्या है? युद्ध। अचरज, अचरज का मतलब आश्चर्य। व्रत, व्रत मीन्स संकल्प, नियम, उपवास। चौकस पहरेदारी, चौकस पहरेदारी का क्या मतलब है? सावधानी के साथ रखवाली करना। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में भड़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इस कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। तो इन पंक्तियों का तात्पर्य है कि कवि ये कहना चाहता है कि हम भारत के जो लोग हैं राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली या अथवा बलशाली हैं। हम भारत मतलब जो जिस हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। जिस तरह मतलब जो भरत थे बहुत साहसी और वीर थे और वो शेर के बच्चों के साथ खेलते थे, उसी प्रकार हम भारत के लोगों में भी उसी भरत के समान शेर के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी यानी कि कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, संसार में कोई भी देश हमारे देश के ना तो समान है ना इससे बढ़कर है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। साथ ही हम साहस और जो वीरता के जो गुण हैं वो हमने पूर्वजों से उपहार के रूप में प्राप्त किए हैं। सौगात मतलब उपहार, जो हमारे अंदर साहस और वीरता के गुण हैं वो हमें पुरखों से प्राप्त हुए हैं एक उपहार के रूप में। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इन पंक्तियों का तात्पर्य है यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। इसका तात्पर्य है हम भारत के छोटे छोटे बालक बड़े वीर हैं, जिस प्रकार छोटी छोटी चिंगारियाँ बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं होती, उसी प्रकार यहाँ के छोटे जो बच्चे हैं वे बहुत ही बलशाली और साहसी हैं। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, इसीलिए कहा गया है कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसीलिए ये कहा गया है कि यहाँ के जो बालक हैं बहुत ही वीर और साहसी हैं, इसीलिए यहाँ जो ये जो देश है वो पूरी दुनिया में यानी कोई इस दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास की, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इन पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि इनके द्वारा इनके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि
जब भी हम युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए उतरे हैं तब हमारे पराक्रम को देखकर संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। इस भारत भूमि के खानों से सदा हीरे जैसे ही अमूल्य रत्न, अर्थात अमूल्य रत्न मतलब ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान का उदाहरण दिया है। जब भी निकला हीरा निकला किसी भी खान से, मतलब भारत भूमि में ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने अपने द्वारा किए गए कार्यों से देश को महान बनाया और देश को आगे तक ले गए। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, इसीलिए ये कहा गया है कि हमारे देश जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, एक हिंदुस्तान है जो सबसे आगे है। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। कभी कहना चाहते हैं कि हमारी ये जो धरती माता है वो हमें अपनी जान से यानी प्राणों से भी प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। तो हर जो हम जो बालक है उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी भारत भूमि की रक्षा करें और जब भी कठिनाई या विपत्ति आए तो उसका जमकर मुकाबला करें। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। तो हम सब जो बालक हैं और जो भारत के जो लोग हैं, हम आज ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जितनी भी कठिन परीक्षाएँ आए हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, उसका सामना करने के लिए और खूब मेहनत करेंगे। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। भारत भूमि एक माँ के समान है और जिस प्रकार बच्चा अपना माँ का दूध पीकर बड़ा होता है और सौगंध लेता है कि हम उसकी रक्षा करेंगे, उसी प्रकार हम भी भारत भूमि पर जन्म लेकर आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उसकी रक्षा के लिए सदा तैयार रहेंगे। इसी उम्र में परिचय पा लिया, पालें हम श्रम से बलिदान से। आज हम बालक अवश्य हैं लेकिन हम शुरू से ही बचपन से ही आज हम श्रम से मतलब मेहनत करके सीखेंगे और बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी कि कहने का मत तात्पर्य है कि हमारा जो भारत देश है वो सभी दुनिया से बढ़कर है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है और आज हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने देश की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेंगे चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए। धन्यवाद।